नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी स्टेटस अपडेट क्या है। 29 अप्रैल 2019 हो गई और आज हमारे केस की सुनवाई होनी है, तो उसमें क्या कुछ निकल के आने की उम्मीद है और क्या इस केस का भी स्टेटस है, तो कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलती है हमारे चैनल पर सारी एसएससी से रिगार्डिंग सारी अपडेट, केस के रिगार्डिंग अपडेट और एसएससी रिगार्डिंग कोई भी स्टडी मटेरियल होता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी कंप्लीट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये देखें, तो ये हमारा ऑफिशियल स्टेटस है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शो कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारा डायरी नंबर है, ये ईयर है और ये आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो सबमिट करेंगे तो ये पूरा स्टेटस शो करेगा इसका। 29/4/2019 है, आज की डेट है, लाइकली टू बी लिस्टेड है। आप देखें तो हमारा सीएल नंबर 10 पे लिस्टेड हुआ है मैटर, मतलब स्टार्टिंग में ही 11 बजे ये हमारा नंबर नहीं आएगा, थोड़ा सा 12-1 बजे के आसपास हमारा नंबर आएगा। और जो हमारे जस्टिस हैं एस ए बॉब और जस्टिस एस अब्दुल नाजीर जी हैं जो हमारे केस को सुनेंगे, ये कोर्ट नंबर 2 में सुनेंगे। और आप देखें तो हमारा केस फाइल हुआ था 16 मार्च 2018 को और आप देखें तो आज 29/4/2019 हो गई है, 1 साल से ऊपर हो चुका है और हमारे केस का अभी तक कुछ कंक्लूसिव डेट कुछ निकल के नहीं आया है। तो हमें तारीख पे तारीख मिल रही है और कुछ कंक्लूसिव फैसला नहीं मिल रहा है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव थिंग बाहर आएगी, कोर्ट से निकल के आएगी रिपोर्ट को लेके, या सीबीआई रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है वो भी चीज़ें बाहर आएंगी। तो आज देखते हैं कि सुनवाई में क्या कुछ निकल के आएगा। और उससे पहले जो मैं बता देता हूँ कि जजेस के साथ जो ऑफिस रिपोर्ट शेयर की गई है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बता देता हूँ। ये कोर्ट नंबर 2 में होगा, आइटम नंबर 10, ये ऑफिस रिपोर्ट है जो जजेस के साथ शेयर की गई है स्पेशल मैसेंजर के थ्रू। हर केस से पहले ये ऐसी ऑफिस रिपोर्ट शेयर की जाती है जजेस से पहले की, ताकि वो उस मैटर को पूरा रीड आउट कर ले, समझ ले कि क्या केस चल रहा है और उसके रिगार्डिंग फिर आगे सुनवाई आगे चल सके। तो ये इस तरह से उन्होंने किया गया है, उसमें मतलब ये लिस्ट किया गया था 16/4 को, उसके बाद में किया ऑफिस रिपोर्ट उस टाइम भी शेयर की गई थी। और हैविंग हर्ड द लॉ काउंसलर, तो सीबीआई को रिपोर्ट फाइल करनी थी 24 अप्रैल को, तो रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दिए गए थे कि उसकी कॉपी को वो सभी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पिटिशनर को भी, जिससे वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हमारी जो थी 6 मई 2019 को, उससे पहले वो पिटिशनर भी उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको अपने रिप्लाई फाइल कर सके और जिससे कोर्ट की सुनवाई भी बहुत जल्दी फास्ट आगे बढ़ सके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीबीआई ने लास्ट डेट तक उसकी रिपोर्ट फाइल नहीं की। फिर 25 तारीख के आसपास उसकी स्पेशल रिपोर्ट फाइल की, वो भी सील कवर्ड में फाइल की है और उसको यही कहा गया है उसमें, अभी मैं बता देता हूँ, अभी टू फाइल द रिप्लाई, ये सब पिछली हियरिंग पे हुआ था। इट इज़ सबमिटेड दैट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अबव रिपोर्ट वॉज सेंड टू द, मतलब ये जो भी मैसेज था वो सीबीआई डायरेक्टर को भेज दिया गया था। इट फर्दर द जो सीबीआई के लॉयर हैं अरविंद कुमार शर्मा जी ऑन द बिहाफ ऑफ सीबीआई, ये 24/4/2019 को फाइल है एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने 24 अप्रैल को एक एप्लीकेशन फाइल की। द सेड एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इस नंबर पे उसको रजिस्टर की गई है और मतलब ऑनरेबल जजेस को फॉरवर्ड कर दी गई है। इट इज़ फर्दर सबमिटेड अरविंद कुमार शर्मा, जो जजेस मतलब लॉयर हैं, उन्होंने 25 अप्रैल 2019 को वो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई के बिहाफ पे इन सील कवर्ड लिफाफे में मतलब सबमिट की है और उसको सर्कुलेट कर दिया गया है ऑनरेबल जजेस के मतलब जजेस को 27 अप्रैल 2019 को थ्रू स्पेशल मैसेंजर, मतलब ये सील कवर लिफाफे में थोड़ी फाइल की गई है। तो इससे डिटेल्स बाहर नहीं आ सकती जब तक हियरिंग नहीं होगी और ये पिटिशनर के साथ शेयर नहीं की गई है, तो वो उस पर रिप्लाई फाइल अभी तक नहीं कर पाए। तो आप जैसे अभी जो हियरिंग होगी उसमें ये डिस्कशन होगा कि इसको शेयर किया जाए नहीं किया जाए और इस रिपोर्ट को लेकर ही थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। बट आप देखें तो इस रिपोर्ट से जो पिटिशनर है उनको अभी तक कोई अवेयर नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या फाइल किया गया है। तो द एप्लीकेशन इन द रिट अबव मेंशन इज, मतलब ये सारी चीज़ें को जजेस को फॉरवर्ड कर दी गई है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार है की तरफ से ये मैसेज है। तो आप देखें तो सुनवाई में यही होगा कि वो उस रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा कि इसको शेयर किया जाए नहीं किया जाए और ये छोटी मोटी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसी पे डिस्कशन होगा। कुछ केस के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ कंक्लूसिव निकल के बाहर आने वाला है और वो निकल के बाहर आएगा वो है मतलब 6 मई 2019 को जो नेक्स्ट मंथ हमारी डेट ऑफ हियरिंग है उस डेट को, हो सकता है कि कुछ बाहर निकल के आए। बट आज की तारीख में कुछ बाहर ज़्यादा मतलब कुछ कंक्लूसिव निकल के आएगा उसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। बट वैसे सुप्रीम कोर्ट है तो कुछ भी हो सकता है और ये पिछली बार का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने यही कहा था इस ऑर्डर में कि जो आपको है मतलब मैं बता चुका हूँ कि 24 अप्रैल से पहले आपको रिपोर्ट फाइल करनी है और उस मैटर को लिस्ट किया जाना है 6 मई को और ये कॉपी सभी के साथ शेयर की जानी चाहिए। तो अभी तक वो शेयर नहीं की गई है, तो यही एक मेन थिंग है जो मतलब अभी दोनों के सीबीआई और पिटिशनर के बीच में चल रही है।
और वैसे इस पे जो भी सुनवाई होगी, अभी 11 बजे तो होगी नहीं, 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी सुनवाई होगी, तो उसकी लाइव अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूँ। फेसबुक और टेलीग्राम पे आपको लाइव मिनट बाय मिनट अपडेट मिलेगी, जैसे जो भी केस स्टार्ट होगा तब क्या कोई कुछ कह रहा है, तो सारी कंप्लीट अपडेट मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे दूंगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये एक CGL और CHSL 2018 के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है फेसबुक पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस ग्रुप में मेनली हम डिस्कस करते हैं स्टडी मटेरियल, और इससे रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो सारी कंप्लीट वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और स्टूडेंट से बात की जाती है कि उनके क्या वरीज हैं, क्या कुछ उसको एड्रेस किया जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे इस केस की पूरी कंप्लीट सुनवाई होगी, क्या कुछ जजेस कहेंगे, क्या वकील कहेंगे, उसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको एंड ऑफ द डे लेके आऊँगा, उस ऑफिस ऑर्डर में क्या कुछ कहा जाता है वो कंप्लीट डिटेल्स हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलती है हमारे चैनल पर सारी अपडेट इस केस के रिगार्डिंग, SSC के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।